नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 6 जुलाई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अनलॉक 4 में मिलेगी और ज्यादा छूट। विधानमंडल मानसून सत्र का शेड्यूल हुआ जारी। परामर्शी समितियों को मिली नई जिम्मेदारी। रिश्तों की डोर के आगे बेबस हुई राजनीति। लंबे अरसे बाद कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए लालू प्रसाद यादव। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अनलॉक 4 में मिलेगी और ज्यादा छूट। अनलॉक 4 की घोषणा बीते दिन बिहार सरकार की तरफ से कर दी गई है, जिसके तहत सभी सरकारी कार्यालय और गैर सरकारी कार्यालय प्रतिदिन समय रूप से खुलेंगे। हालांकि इस दौरान केवल कोविड टीका पाने वाले आगंतुकों को ही आने की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही विश्वविद्यालय, सभी प्रकार के कॉलेज और तकनीकी शिक्षण संस्थान तथा 11वीं-12वीं कक्षा तक के विद्यालय कुल छात्रों के 50% उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे। इसके अलावा स्कूल, कोचिंग, ट्रेनिंग और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस दौरान विद्यालयों और विश्वविद्यालयों द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी। क्लब, जिम और स्विमिंग पूल कुल क्षमता के 50% उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स केवल खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए खोले जा सकेंगे। रेस्टोरेंट और खाने की दुकानों का संचालन आगंतुकों के बैठने की कुल क्षमता के अधिकतम 50% उपयोग की अनुमति के साथ अनुमान्य होगा। वहीं होम डिलीवरी की व्यवस्था रहेगी। इसके साथ ही विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोग के उपस्थिति होने की अनुमति दी गई है। वहीं अंतिम संस्कार में भी अब 50 लोग शामिल हो सकेंगे। हालांकि शादी के दौरान डीजे और बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए निकाली रिक्तियां। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अहम सूचना। अगर आप भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में से एक ऑयल इंडिया लिमिटेड में सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 120 जूनियर असिस्टेंट यानी कि क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन के लिए OIL की आधिकारिक वेबसाइट oil-india.com पर उपलब्ध करवाए गए फॉर्म भरकर ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 15 अगस्त 2021 निर्धारित की गई है। हालांकि ध्यान रहे, इन पदों के लिए वही उम्मीदवार आवेदन भर सकते हैं जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से न्यूनतम 40% अंक के साथ 10+2 की परीक्षा किसी भी स्ट्रीम में उत्तीर्ण की हो। बिहार में कोविड-19 के मिले 100 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 76 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 1304 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 2, अरवल में 1, बेगूसराय में 1, भागलपुर में 6, भोजपुर में 1, बक्सर में 1, दरभंगा में 3, गया में 3, कैमूर में 1, खगड़िया में 4, किशनगंज में 4, मधुबनी में 3, मुजफ्फरपुर में 2, नालंदा में 8, नवादा में 1, पटना में 11, पूर्णिया में 7, रोहतास में 6, समस्तीपुर में 4, शेखपुरा में 1, सुपौल में 1, वैशाली में 4 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही एक ऐसे सैंपल की पुष्टि हुई है जो बिहार से बाहर के हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 91,879 सैंपल की जाँच की गई है। वहीं 204 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। बिहार में लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए नई स्कीम की हुई शुरुआत। बिहार में लड़कियों के उत्थान के लिए सरकार समय समय पर नई योजना के साथ काम करती रही है। इसी क्रम में अब सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए नई स्कीम की शुरुआत कर दी, जिसके तहत अब अगर कोई भी लड़की जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रही है तो अब वो बिना डरे महिला विकास निगम से संपर्क कर सकती है। स्कीम के तहत कम्युनिटी एक्टिविटी के अंदर ब्लॉक स्तर पर 534 ग्रुप होंगे, तो वहीं जिला स्तर पर 5 और राजधानी में 24 से 30 ग्रुप बनाए जाएंगे। हर ग्रुप में 10 से 15 सदस्य होंगे जो बाल विवाह, दहेज प्रथा के साथ साथ अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ने वाली लड़कियों को जागरूक करने का काम करेंगे। परामर्शी समितियों को मिली नई जिम्मेदारी। बिहार में मॉनसून सक्रिय होने के बाद से लगातार हो रही बारिश से प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में अब बिहार सरकार बाढ़ और कोरोना से बचाव को लेकर सतर्क हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के साथ ही जल संसाधन और पंचायती राज विभाग भी विशेष सतर्क हो गई है। पंचायत परामर्शी समितियों को निर्देश दिया गया है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कोरोना संक्रमित व्यक्ति के मिलते ही तत्काल प्रशासन को सूचित करें। बाढ़ के दौरान महामारी से बचाव को लेकर भी विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों में तैनात अधिकारियों को निर्देश दिया है कि त्रिस्तरीय पंचायतों के जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों को रातों में तटबंध की निगरानी के लिए जागरूक करें। बिहारी बर्थ डे स्पेशल में हम बात करेंगे श्रद्धा शर्मा की। श्रद्धा शर्मा का जन्म बिहार की राजधानी पटना में आज ही के दिन साल 1983 को हुआ था। श्रद्धा शर्मा उद्यमियों के लिए मीडिया प्रौद्योगिक मंच योर स्टोरी की संस्थापक, सीईओ और मुख्य संपादक है। 2008 में योर स्टोरी शुरू करने से पहले शर्मा ने CNBC TV18 में सहायक उपाध्यक्ष और द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक ब्रांड सलाहकार के रूप में भी काम किया। लक्ष्मी के साथ चाय पर उन्हें भारत के डिजिटल स्पेस की सबसे बड़ी कहानीकार कहा गया है। उन्होंने एक तकनीकी कहानी में भारत
ने 5 महिला भारतीय उद्यमियों में से एक के रूप में चित्रित किया, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। द हिंदू ने उसके बारे में ऐसा लिखा है, जिसने शीशे की छत को तोड़ दिया है। उनकी कंपनी को स्टार्टअप और उद्यमियों से संबंधित कहानियों, समाचारों, संसाधनों और शोध रिपोर्ट के लिए भारत का सबसे बड़ा और निश्चित मंच के रूप में वर्णित किया गया है। विधानमंडल मानसून सत्र का शेड्यूल हुआ जारी। बिहार में 26 जुलाई से राज्य विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू होने वाला है, जो कि 30 जुलाई तक जारी रहेगा। सत्र को लेकर राज्यपाल फागू चौहान ने सहमति दे दी है। इतना ही नहीं, कार्यक्रम का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। हालांकि कोरोना के वर्तमान माहौल को देखते हुए मानसून सत्र को छोटा रखने का निर्णय लिया गया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में विधानमंडल मानसून सत्र बुलाने की स्वीकृति दे दी थी, जिसके बाद बीते दिन बिहार विधानसभा के तृतीय सत्र और बिहार विधान परिषद के 158वें सत्र के औपबंधिक कार्यक्रम की स्वीकृति दी गई है। मौसम विभाग ने 24 घंटे के लिए भारी बारिश होने का जारी किया अलर्ट। बिहार में मॉनसून की स्थिति के बीच मौसम विभाग ने आज यानी कि मंगलवार को भी उत्तर बिहार के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान दक्षिण पूर्वी भाग में सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, पूर्णिया में भी ऐसी स्थिति बने रहने की संभावना है, जबकि दक्षिण मध्य में पटना, बेगूसराय, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, गया और दक्षिण पश्चिम बिहार के बक्सर, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, जहानाबाद, औरंगाबाद जिले में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग ने आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग केंद्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक ट्रफ लाइन राजस्थान से नागालैंड तक, पूर्वी उत्तर प्रदेश से बिहार होते पश्चिम बंगाल तक जा रही है, जिससे बारिश की संभावना काफी ज्यादा बढ़ गई है। लंबे अरसे बाद कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए लालू प्रसाद यादव। बीते दिन राजद ने अपना स्थापना दिवस मनाया। हालांकि इस बार का स्थापना दिवस इसीलिए भी खास रहा क्योंकि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव व्यक्तिगत रूप से अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ रूबरू हुए थे। इसी दौरान लालू प्रसाद यादव ने अपने सभी कार्यकर्ताओं को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। साथ ही लालू प्रसाद यादव ने पार्टी के रजत जयंती समारोह का वर्चुअल तरीके से उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने बीते दिन रामविलास पासवान को भी याद किया। वहीं इस दौरान लोजपा संस्थापक दिवंगत रामविलास पासवान को तेजस्वी यादव ने भी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, वंचितों, उपेक्षितों और उत्पीड़ितों के हक के लिए जीवन भर संघर्षरत रहे वरिष्ठ समाजवादी नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी को उनकी जयंती पर शत शत नमन। पटना में एसटीईटी अभ्यर्थियों पर पुलिस ने बरसाई लाठी। राजधानी पटना में बीते दिन एसटीईटी अभ्यर्थियों पर फिर से पुलिस बल का प्रयोग किया गया। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को सुबह सुबह गुस्साए अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के घर का घेराव करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस कर्मियों ने अभ्यर्थियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस कर्मियों के रोकने के बावजूद अभ्यर्थियों ने एक ना सुनी, जिसके बाद पुलिस ने लाठियां बरसा दी। लाठी चार्ज होने पर शिक्षा मंत्री के आवास के पास अफरा तफरी का माहौल हो गया। पुलिस के डंडे से कई एसटीईटी अभ्यर्थी घायल हो गए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि वो लोग शिक्षक पात्रता 2019 में ही पास कर चुके हैं। 2 साल से नौकरी की मांग को लेकर लगातार सरकार के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, लेकिन सरकार बातों को दरकिनार कर पुलिस से पिटवाने का काम कर रही है। बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालय अब जुड़ेंगे 2 लेन सड़क से। बिहार में जब से नीतीश सरकार आई है, सड़कों का विकास जोर शोर से देखने को मिला है। बीते 20 साल के आंकड़ों को देखें तो लगभग 1,25,626 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। हालांकि इसके बावजूद अभी भी राज्य में प्रति 1 लाख आबादी पर सड़कों की उपलब्धता कम है। हालांकि बिहार सरकार मास्टर प्लान बनाने का काम कर रही है। जारी आंकड़ों को देखें तो सड़कों की उपलब्धता का औसत राष्ट्रीय औसत से लगभग 392.77 किलोमीटर कम है। बिहार की बात करें तो यहां पर प्रति 1 लाख की आबादी पर सड़कों की उपलब्धता करीब 135.02 किलोमीटर है। वहीं राष्ट्रीय औसत करीब 527.79 किलोमीटर है। वहीं बिहार में सड़कों के जाल को बिछाने के उद्देश्य के साथ काम कर रही बिहार सरकार ने अब 534 प्रखंड मुख्यालय को 2 लेन सड़कों से जोड़ने का काम करने का ऐलान कर दिया है। बिहार में इनकम टैक्स देने वालों की संख्या निराशाजनक। बिहार में 13 करोड़ की आबादी है, जिसके बाद टैक्स देने वालों की संख्या भी करोड़ों में ही सोची जा सकती है। हालांकि हकीकत इसके ठीक उलट है। सरकारी आंकड़ों की माने तो बिहार में आयकर देने वालों की संख्या करीब 13 लाख है, जो पूरी आबादी का 1% है। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि कुल टैक्स पेयर्स में से 65% से ज्यादा यानी कि लगभग 7 लाख सरकारी कर्मी ही है। हालांकि बिहार में पिछले कुछ सालों में निजी व्यवसाय, व्यापार, सेवा समेत अन्य क्षेत्रों में गतिविधियां काफी बढ़ गई हैं। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 6,12,000 करोड़ हो गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में GSDP का ग्रोथ रेट भी 15.40% दर्ज किया गया है, जो देश में सर्वोच्च है। निजी व्यवसाय करने वाले मसलन रेस्टोरेंट, फूड, किराना, दवा समेत अन्य कई तरह के सेक्टर में काफी बेहतर ग्रोथ हुआ है। इसके बावजूद राज्य में आयकर देने वालों की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ी है।
बिहार में बुजुर्गों और लाचारों को वैक्सीन लेने नहीं जाना होगा टीका केंद्र। बिहार में अब बुजुर्गों और लाचारों को वैक्सीन देने की खास व्यवस्था की जा रही है, जिसके तहत अब बिहार में बुजुर्गों और लाचारों को वैक्सीन लेने के लिए टीका केंद्र के चक्कर नहीं लगाने होंगे, क्योंकि उनके एक फोन कॉल पर टीका एक्सप्रेस उनके घर आकर उन्हें कोरोना वैक्सीन देगी। इसका नाम वयोवृद्ध टीकाकरण एक्सप्रेस रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने तुरंत इसके इंतजाम करने के निर्देश दे दिए हैं। ज्ञात हो हाल ही में प्रधान सचिव के संज्ञान में आया कि बहुत से वयोवृद्ध जो चलने फिरने में लाचार है, हाई रिस्क में होने के बावजूद अब तक उनका टीकाकरण नहीं हो सका है, जिसके बाद ही यह खास पहल की गई है। पटना हाईकोर्ट ने अनुकंपा पर नौकरी करने को लेकर जारी किया फैसला। पटना हाईकोर्ट ने बीते दिन अनुकंपा पर नौकरी दिए जाने को लेकर आदेश जारी किया है, जिसके तहत पटना हाईकोर्ट ने यह भी साफ किया है कि जब परिवार का एक सदस्य सरकारी नौकरी में है तो परिवार के किसी अन्य सदस्य को अनुकंपा पर नौकरी नहीं दी जा सकती है। इस बाबत कोर्ट ने कहा है कि अनुकंपा पर नौकरी पाना किसी कर्मी के सदस्य का अधिकार नहीं है। यह व्यवस्था कर्मी की मृत्यु के बाद परिवार के वित्तीय संकट उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए सरकार ने यह नीति बनाई है। परिवार को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गई है, लेकिन जब परिवार के ही अन्य सदस्य पहले से सरकारी नौकरी में हैं तो दूसरे सदस्य को अनुकंपा पर नौकरी नहीं दी जा सकती। रामविलास पासवान की जयंती पर चिराग ने दी श्रद्धांजलि। बीते दिन स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती थी। इस मौके पर उनके पुत्र चिराग पासवान ने दिल्ली में अपने आवास पर उनकी जयंती के मौके पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वो काफी भावुक थे। उनके साथ उनकी माता, परिवार और अन्य सदस्य समेत पार्टी के नेता मौजूद थे। इस दौरान चिराग ने अपने पिता को याद करते हुए कहा कि आज ऐसा पहली बार हुआ है जब पापा अपने जन्मदिन के मौके पर नहीं है। उनका आशीर्वाद हमेशा हम लोगों के साथ बना रहेगा, लेकिन यह परिवार एवं पार्टी के लिए कठिन दौर है, लेकिन पिताजी से सीख लेकर आगे बढ़ना है, जिसके बाद ही चिराग दिल्ली से बिहार के हाजीपुर के लिए रवाना हुए थे। पटना एयरपोर्ट पहुंचते ही उनका भव्य स्वागत भी हुआ। वहीं हाजीपुर पहुंचकर उन्होंने आशीर्वाद यात्रा का आह्वान भी किया। 24 घंटे में वापसी पर टोल प्लाजा में जारी रहेगा छूट। अगर आप ही हाईवे पर सफर कर रहे हैं और आप 24 घंटे के अंदर अपने गंतव्य से वापसी कर लेते हैं तो टोल प्लाजा पर मिलने वाली छूट अभी भी पहले की तरह ही जारी रहेगी। हालांकि इस बार इसके तरीके में थोड़ा बदलाव किया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियमों के तहत बैंक को तुरंत छूट वाला पैसा वापस कर देना होता है। अब फास्टैग अनिवार्य हो गया है, जिसके बाद नए नियम के अनुसार पहले फास्टैग से तो पूरा चार्ज कटेगा, लेकिन जब उस वाहन की सूचना सर्वर में पहुंचेगी और पाया जाएगा कि 24 घंटे के अंदर वाहन वापस आया है तो एक तरफ से टोल के चार्ज में 50% की छूट मिल जाएगी और बैंक खाते या पेटीएम में पैसे वापस आ जाएंगे। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना। बीते दिन राजद के स्थापना दिवस के मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार को आड़े हाथों लिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह खुद नीतीश कुमार है। कोरोना काल में नीतीश कुमार लगातार मीटिंग ही करते रहे। मीटिंग जनता के लिए नहीं बल्कि कमाई के लिए करते थे। मीटिंग कमीशन के लिए, जांच में कमीशन, वेंटिलेटर में कमीशन, हर चीज में कमीशन के लिए मीटिंग करते थे। सूबे में सिर्फ घुसखोरी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता ने तो नीतीश कुमार की पार्टी को चौथा नंबर का बना दिया था, लेकिन चुनाव आयोग ने इनकी पार्टी को तीसरे नंबर का बना दिया। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आज तक बिहार में भाजपा को सीएम का चेहरा नहीं मिला। आज बिहार में जदयू भाजपा के बीच खेल चल रहा है। तेजस्वी ने कहा कि राजद माई की पार्टी नहीं बल्कि ए टू जेड की पार्टी है। राजद प्रदेश अध्यक्ष के हाथ नहीं उठाने पर तेज प्रताप यादव ने कसा तंज। बीते दिन राजद के स्थापना दिवस के मौके पर तेज प्रताप यादव ने व्यंगात्मक अंदाज में अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा। इतना ही नहीं, इस दौरान तो उन्होंने अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के हाथ नहीं उठाने पर तंज भी कसा। दरअसल बीते दिन तेजस्वी यादव को नसीहत देते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि जिला अध्यक्ष को जिम्मेदारी दे, एक गाड़ी की व्यवस्था करे, अगर रात में किसी गरीब को अस्पताल ले जाने की जरूरत हो तो वो ले जाए। जिसके बाद उन्होंने कहा कि अगर हम सही बोल रहे हैं तो हाथ उठाकर समर्थन दीजिए। सभी लोगों ने हाथ उठाया, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने हाथ नहीं उठाया। इसी पर तेज प्रताप यादव ने तंज कसते हुए कहा कि लगता है जगदानंद अंकल हमसे गुस्साए हुए हैं। लालू यादव ने जीवित रहने के पीछे राबड़ी देवी और तेजस्वी को बताई वजह। लालू प्रसाद यादव ने बीते दिन राजद के स्थापना दिवस के मौके पर अपना संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले स्थापना दिवस की सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी, साथ ही राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को लेकर भी अपना बयान जारी किया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी यादव और हमारी पत्नी नहीं होती तो हम वहीं रांची में मर जाते। हमको वहां से तुरंत प्लेन से लाया, दिल्ली और एम्स में भर्ती करवाया। अब हम ठीक है, थोड़ा बीमारी और रह गया है। हम बहुत जल्द आपके बीच आएंगे। हम पटना आएंगे, इसके बाद पूरे बिहार का भ्रमण करेंगे। हम हर जिले में जाएंगे और लोगों से बात करेंगे। हमारा तेजस्वी तो तेज है ही, लेकिन हमारा बड़ा बेटा तेज प्रताप यादव का भी भाषण सुना, उसके भाषण में दम है। इसके साथ ही हमारी पार्टी की स्थापना के बाद से हुए चुनाव में लगातार हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा है, लेकिन हम बाहर नहीं आए।
रिश्तों की डोर के आगे बेबस हुई राजनीति, आज रिश्तों के आगे राजनीति ने समर्पण कर दिया है। अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती के मौके पर अपनी बहन आशा पासवान से मिलने अचानक से उनके पटना के कुम्हरार स्थित आवास पहुंचे चिराग पासवान। मालूम हो कि चिराग पासवान और उनकी बहन बहनोई के बीच 36 का आंकड़ा रहता है। चिराग के बहनोई और राजद नेता अनिल कुमार साधु अक्सर चिराग पर जुबानी हमला किया करते हैं, लेकिन चिराग ने अचानक से बहन बहनोई के घर पहुंचकर सबको चौंका दिया। आपको बता दें, बीते दिन रामविलास पासवान की जयंती के मौके पर चिराग पासवान हाजीपुर पहुंचे थे, जिसके बाद पहले वो कुम्हरार गए, फिर हाजीपुर जाकर उन्होंने आशीर्वाद यात्रा का आह्वान किया। राजद के स्थापना दिवस पर जदयू ने पूछे 25 सवाल। जहां एक तरफ बीते दिन राजद अपना स्थापना दिवस मना रही थी, वहीं दूसरी तरफ जदयू ने इस दौरान पार्टी से 25 सवाल पूछे। इस बाबत जदयू के पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने राजद के 25 साल पूरे होने पर लालू प्रसाद यादव के 15 साल के शासनकाल में बिहार में सिर्फ भ्रष्टाचार, अपराध, नरसंहार, कानून व्यवस्था को लेकर समेत तमाम सवाल उठाए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि परिवार के अंदर वर्चस्व की लड़ाई छिड़ी हुई है, लालू यादव बीमार है और परिवार से लेकर पार्टी तक पर किसका कब्जा हो इसके लिए दावा चल रहा है। पोस्टर के जरिए नीरज कुमार ने कई तरह के आरोप भी लगाए। इसके साथ ही जदयू नेता ने पोस्टर के जरिए यह भी बताने की कोशिश की कि राजद में किसी भी बुजुर्ग नेता का सम्मान नहीं होता है। इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। पश्चिम बंगाल के शिवपुर में 1787 को भारतीय वनस्पति उद्यान की स्थापना आज के दिन हुई। महात्मा गांधी को 1944 में पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था। भारत चीन युद्ध की वजह से बंद पड़ा नाथुला पास फिर से 1962 में खोला गया। 44 वर्ष बाद भारत चीन में 1962 के युद्ध के बाद से बंद पड़े नाथुला दर्रे को 2006 में खोला गया। यहां से भारत और चीन के बीच व्यापार होता था। भारत की प्रख्यात समाज सुधारक लक्ष्मीबाई केलकर का जन्म 1905 में आज के दिन हुआ था। बौद्ध धर्म के धर्मगुरु दलाई लामा का जन्म 1935 में आज के दिन हुआ था। भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति धीरूभाई अंबानी का निधन 2002 में आज के दिन हुआ था। आज के दिन को श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती और विश्व जूनोसिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ब्रैड हॉक ने महेंद्र सिंह धोनी को बताया फ्रेंचाइजी का महाराजा। आईपीएल 2021 के दूसरे फेज में बाकी बचे मैचों का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में 19 सितंबर से होना है। वहीं लीग का फाइनल मुकाबला 15 अक्टूबर को खेला जाना है। वहीं आईपीएल शुरू होने से पहले महेंद्र सिंह धोनी की चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया के पूर्व लेग स्पिनर ब्रैड हॉग ने इसका जवाब दिया है। हॉग ने कहा है कि अपनी कप्तानी से भारत को 3 आईसीसी खिताब जितवा चुके धोनी सीएसके की टीम को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो उस फ्रेंचाइजी के महाराजा है। अब व्हाट्सएप से भेज सकेंगे फुल साइज फोटो। व्हाट्सएप से बड़े साइज की फोटो और वीडियो को आसानी से भेजा जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले आप व्हाट्सएप के टाइपिंग ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। टाइपिंग बार ऑप्शन में अटैचमेंट ऑप्शन दिखेगा, जिस पर क्लिक करना होगा। व्हाट्सएप अटैचमेंट ऑप्शन पर क्लिक करने पर डॉक्यूमेंट ऑप्शन दिखेगा, जिस पर क्लिक करना होगा। डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर क्लिक करने पर ब्राउज ऑप्शन दिखेगा, ब्राउज ऑप्शन पर क्लिक करते ही फोटो और वीडियो की लंबी लिस्ट दिखेगी, जिससे सिलेक्ट करके फोटो और वीडियो को भेज पाएंगे। इस तरह व्हाट्सएप से बड़े साइज की फोटो और वीडियो को भेजा जा सकेगा। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 5 जुलाई को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,320 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,320 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 70,400 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 102.29 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.03 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मुकेश कुमार, अरविंद कुमार, संजीव कुमार सिंह, दिव्यांशु कुमारी, राजीव कुमार, ओम प्रकाश कुमार, राहुल कलवर, राम शरण यादव, सोनू कुमार, गौतम कुमार, रमाकांत कुमार, प्रियंका कुमारी, विशाल सिंह, आदर्श अनुज, आदर्श सिंह, कैलाश यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार अनलॉक 4 में दी गई छूट से आप संतुष्ट है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।